प्रथम तहलका न्यूज। शुक्रवार को अभय चौटाला और उनके पुत्र करण चौटाला यमुनानगर के भूंड कला स्थित हर्बल पार्क में पहुंचे, जहां उन्होंने चौधरी देवीलाल की जयंती के उपलक्ष्य पर अभय चौटाला और करण चौटाला ने इनेलो कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चौधरी देवीलाल की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए। बता दें कि बृहस्पतिवार को अभय चौटाला यमुनानगर में किसानों के समर्थन में लघु सचिवालय पहुंचे थे और जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा था। और आज यानी शुक्रवार को अभय चौटाला ने चौधरी देवीलाल की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए और कहा कि चौधरी देवीलाल को किसानों का मसीहा माना जाता है। जब कभी भी किसानों की कोई बात होती थी तो चौधरी देवीलाल राजनीति से हटकर किसानों के साथ खड़े होते थे, लेकिन जो आज मौजूदा सरकार किसानों के विरोधी बिल लेकर आई है, इनेलो इसका पुरजोर विरोध करती है और इनेलो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि किसान कभी आंदोलन नहीं करना चाहते, लेकिन जब वो मजबूर हो जाता है तो उसको विरोध करने पर मजबूर होना पड़ता है। और सरकार ने जो नए काले कानून पारित किए हैं, वे सरकार को वापस जरूर लेने पड़ेंगे। किसान को कैसे लाभ मिले, फिर कैसे किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उसके लिए उन्होंने प्रयास किए। समर्थन मूल्य जो है 50 रुपया बढ़ाया, पेट्रोल और डीजल कितना बढ़ाया इन 3 महीनों, आप क्या उसका भी समर्थन करोगे? हमारे को 50 रुपये बढ़ा करके किसान को कहीं ये दिखाना चाहती है सरकार की हम बहुत बड़े हितैषी हैं। किसान यूरिया का रेट बढ़ा, DAP का रेट बढ़ा, कीड़े मार दवाइयों के रेट बढ़े, ट्रैक्टर की GST, हर चीज़ महंगी कर दी और 50 रुपये क्विंटल का बढ़ा कर मरम लगा रहे हो, ये आसान कर रहे हो हमारे। सरकार ने जहाँ 50 रुपये रेट बढ़ाया, वहीं सरकार ने अध्यादेश में 10,000 खड़ा कर दिया कि उस 50 रुपये की वैल्यू खत्म हो जाएगी। केवल कि किसान इस आंदोलन को किसी तरह से कमजोर किया जाए, इसके लिए ऊँट के मुंह में जीरा दे दिया। इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। C2 के हिसाब से स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करे सरकार, तब किसान का फायदा होगा, तभी ही किसान बचेगा, अदरवाइज किसान बर्बाद हो जाएगा, किसान अपनी जमीन बेच देगा और यहाँ एक ऐसा आंदोलन खड़ा हो जाएगा कि सरकार उसको संभाल नहीं पाएगी। किसान तब सड़क पे आकर के खड़ा होता है जब उसके सर के ऊपर से पानी गिर जाता है। किसान कभी भी आंदोलन नहीं करता, किसान तो देश का पेट भरता है, किसान का बेटा देश की सीमाओं की रक्षा करता है, लेकिन किसान जब आंदोलन पर उतारू हो जाता है तो फिर किसान को कोई झुका नहीं सकता, किसान के आगे सरकार को झुकना पड़ता है। सरकार 100% झुकेगी, लेकिन किसान को थोड़ा परेशान करके सरकार को किसान की बात को मानना पड़ेगा, किसान पीछे नहीं हटेगा, किसान को अपनी बात मनवानी आती है। इस दौरान अभय चौटाला के पुत्र और चौधरी देवीलाल के पड़पोते करण चौटाला ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह हम चौधरी देवीलाल को फूल अर्पित कर याद कर रहे हैं, उसी तरह से हमें उनकी नीतियों को भी याद करने की जरूरत है। प्रथम तहलका के लिए यमुनानगर से वीना अरोड़ा की रिपोर्ट।